फैसल साहब आपका। फैसल साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि कुछ अर्सा पहले जरदारी साहब ने भी कहा था कि आएँ आप पार्टी में, अपना किरदार जो है उसको मुतहरिक करें, आप पार्टी के लिए काम करें, लेकिन आपने माजरत कर दी थी कुछ वजूहात की बुनियाद पर, उसकी क्या वजह थी? और दूसरा, मुस्लिम लीग नून ही क्यों 2024 के इलेक्शन के लिए आपने मुस्लिम लीग नून को चुना? जी, सबसे पहले मेरा आपको और आपके नाज़रीन को मैं सलाम पेश करूंगा और आपका शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मद्दू किया। क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं ज़रा जितने ब्रीफ हो सकें सवाल जवाब अपने मैं उस तरह उनको कंडेंस कर सकूं। जी, पहली बात तो आपकी है कि जी वो शहबाज शरीफ साहब यहाँ तशरीफ लाए मेरे पास शाहजुना, तो मैं उनका और नवाज शरीफ साहब का पहले ही उनका मैं शुक्रिया अदा कर चुका हूं कि उन्होंने यहाँ पे मेरे पास तशरीफ लाए मेरे घर पे, और ये मेरे लिए बायस इज्जत है हमारे सारे ग्रुप के लिए, मेरी फैमिली के लिए, सबके लिए कि वहाँ के उन्होंने मुझे दावत दी, शमूलियत की, और मैंने पूरे मेरी फैमिली, मेरे पूरे ग्रुप ने, बल्कि हमारे दोनों अजला जो हैं झांग और चिन्नी दोनों के हमारे ग्रुप्स ने उसमें शमूलियत अख्तियार की। एक बात मैं यहाँ वाजे करना चाहूँगा क्योंकि आपने 2018 के इलेक्शन के हवाले से मेरी बात की है, तो वो तो इलेक्शन उससे बड़ी तो धांधली दुनिया में कभी नहीं हुई, जो खासकर मेरे साथ जो हुआ था। क्योंकि हमारे यहाँ एक सिस्टम बन गया है कि एक दफ़ा जब इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर हम एक वो पुरानी है कि मूव ऑन करें, पुरानी बातों को छोड़ दें, तो मेरे हवाले से भी मूव ऑन ही हुआ। 1,20,000 वोट मुझे मिले, उसमें 13,000 वोट रिजेक्ट करके मुझे 1,06,000 के करीब वोटों पर ला कर उन्होंने 400 से मुझे हरवा दिया गया। वो जो कैंडिडेट थे मेरे मुखालिफ जिनका आपने नाम लिया महबूब सुल्तान, वो तो वैसे दरवाजे बंद करके रात को सो चुके थे अपनी हार समझ के, बट हरवा दिया गया मुझे। और उसके बाद ना मेरी रिकाउंटिंग की गई, ना मेरी वहाँ इलेक्शन पिटिशन सुनी गई, वह बहुत सारे इश्यूज हैं वहाँ पे। उस वक्त वो जो चंद लम्हा वो दिन थे जुलाई 2018 में, उस जमाने में ये मीडिया ने उठाया था इस बात को, लेकिन उसके बाद फिर सारा ठंडा पड़ गया। हमारे यहाँ हमारे जो हलके हैं, हमारे जो इलाके हैं, सर मेरे नहीं, हमारे और भी जो हमारे दोस्त हैं, वहाँ पे जाति ग्रुपिंग्स के वोट हैं, बहुत सारे हलके हैं पाकिस्तान में जहाँ पे जाति ग्रुप्स के वोट हैं, पार्टियों के बड़े जो हैं वो सानवी वोट होते हैं, हमारे मेरा हलका भी उसी में एक शामिल होता है। मेरे साथ जो यहाँ लोग जो अरसे, मैं 6-7 दफा पहले भी एमएलए बन चुका हूँ यहाँ से, अल्लाह का शुक्र है। फैसल साहब, आप 1988 से 2012 तक आप रुकने कौमी असम्बली रहे हैं, आप वज़ीर दाखला भी रहे हैं, वज़ीर सनत और तिजारत भी आप रहे हैं, लेकिन हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी आप रहे हैं, अब आपने नून लीग ज्वाइन की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेट्रियाट के नाम से आपने फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनाया, ज़ाहिर एक वसी आपका सियासी तजुर्बा है, लेकिन आजकल जो सियासी जमातों ने जो वतीरा पकड़ा हुआ है अपने नज़रियाती कारकुनों को इग्नोर करके, उन्हें बिल्कुल साइडलाइन करके दूसरी पार्टियों से आने वाले लोगों को वेलकम करना और उन्हें टिकट्स देना, क्या पार्टियों को इसका नुकसान नहीं होगा? क्या पार्टियां ऐसे चला करती हैं अपने पुराने वर्कर्स को इग्नोर करके? देखिए, इसका अगर आप मुझसे एक लफ्ज में इसका जवाब पूछें तो उसका मैं सीधा सा आपको जवाब ये दूंगा कि हमारे यहाँ अब नजरियाती नाम, सियासत नाम की या आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नाम की कोई चीज रही ही नहीं। आप उसको सियासी पार्टी के साथ मुंसलिक कर लें या किसी और फोरम के साथ मुंसलिक कर लें। मुझे याद है जब मैं 70s में हम जब पढ़ते थे कॉलेजों में, उस वक्त हम ये और मैं खुद उसमें रहा हूँ, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी रह चुका हूँ, एशिया सुर्ख है और यू नो सुर्ख और ये सब्ज का उस जमाने में ये सारी ये जो आइडियोलॉजीज थी इनकी भरमार हुआ करती थी जी। और बड़े कमिटेड लोग हुआ करते थे। मैं आपको एक काउंटर सवाल पूछूंगा, आज आप हमारे जितनी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान में जो 4-5 हैं, आप उन सबके मैनिफेस्टो निकाल के देख लीजिए, आपको 19-20 से ज्यादा फर्क उसमें किसी में नजर नहीं आएगा। वेरी ट्रू। आप उनकी इकोनॉमिक तो देखें, जब आप ये जब बात आप करते हैं तो आइडियोलॉजी नाम की तो चीज रही कहीं नहीं। आजकल हर पार्टी जो है वो पावर पॉलिटिक्स करती है और वो जो जिसको कहते हैं द नेम ऑफ द गेम, द नेम ऑफ द गेम इज आप किस तरीके से अपने मैक्सिमम पॉलिटिकल बेनिफिट्स आप हासिल कर सकते हैं और आपने
कॉरिडोर्स ऑफ पावर में अपने आप को ले जाना है। तो ये पावर पॉलिटिक्स ये है जो पिछले 20-25 साल से, मैं पहले तो जब एमएनए बना था वो 1977 बना था, मैं आपके लिए ये गुजारिश करना चाहता हूँ, तो उस वक्त से लेके आज तक और खासतौर पर 88 के बाद तो आइडियोलॉजी खत्म हो चुकी हैं। लास्ट हमारी पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट जो आई थी 88 में, मैं उसमें भी शामिल था, उसमें हमने एक सोशल डेमोक्रेट निज़ाम मुतारफ कराया था जो आपको आमतौर पर स्कैंडिनेवियन मुल्कों में नजर आता है, और मोहतरमा शहीद ने उनकी एक विजन थी उस हवाले से। बट उसके बाद हम सब जो हैं, सबकी इकोनॉमिक जो प्रायोरिटीज हम सब देखें, हर जमात कहती है प्राइवेटाइजेशन करें, ठीक है जी, और यानी सब तो अगर सारी जमातों, अगर सब जमातों की एक ही आइडियोलॉजी है, सब पावर पॉलिटिक्स करती हैं, 19-20 का फर्क है सबके मंशूर में, और ये वादे और मंशूर ये सिर्फ इलेक्शन से पहले तक की बातें होती हैं, बाद में कौन सा मंशूर कौन सी आवाम की खिदमत, तो फिर आपने कुछ तो मुख्तलिफ आपको लगा होगा मुस्लिम लीग नून में जो आपने पार्टी ज्वाइन की, क्या कोई यकीन दहानी करवाई गई, या आपको लगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इक्तदार में आने जा रही है, नवाज शरीफ वजीर आजम बनने जा रहे हैं, या आपको कोई यकीन दहानी करवाएगी कि आपको कोई बड़ा ओहदा दिया जाएगा? इसकी दो वजूहत हैं जी मेरे मुस्लिम लीग नून में शामिल होने की। एक तो जाती तौर पर मैं आज भी आसिफ जरदारी साहब का उनकी मैं इज्जत करता हूँ, क्योंकि हमारे ये जो इज्जत के जो रिश्ते हैं या जो ताल्लुकात हैं वो सियासत हो या ना हो उसमें ये रहने चाहिए, ये हमारे वैल्यूज हैं। बिल्कुल, मैं पिछले उन्होंने मुझे जरदारी साहब की मेहरबानी, उन्होंने पिछले पिछले चंद सालों में कुछ ऑफरें भी की बनने के लिए, मैंने उनको एक ही गुजारिश की थी कि आप खुद अपने आप को, अपनी जो लीडरशिप पीपल्स पार्टी की है वो पंजाब में वो सीरियस ही नहीं है काम करने के हवाले से। आप सिंध बैठे हुए, आपको बालबंद ये आप पावर में बैठे हुए क्योंकि सिंध में आपकी हुकूमत है, आपको ये इल्म नहीं है कि पंजाब में जो या दीगर सूबे में जो लोग बैठे हैं पार्टी के वो किस किन हालात में से गुजर रहे हैं। तो मैंने बहुत दफा उनको ये कहता रहा कि जी आप ऐसी हिकमत अमली बनाए, स्ट्रेटजी बनाए कि आप पंजाब में अपने आप को मुतहर करें, क्योंकि अगर आपने पावर में आना है अल्टीमेटली सेंटर में तो आप पंजाब के बलबोते पर आएंगे, जिस तरह आप आखिरी बार 2008 में आप आए थे। अब वो अब मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ, वो उस हवाले से मुझे उनकी संजीदगी नजर मुझे नहीं आई। लेकिन इस इंतखाबात में हमें पीपल्स पार्टी का फोकस लग रहा है, स्पेशली जो लाहौर से बड़ा फोकस है बिलावल भुट्टो का, जो हल्का है NA 127 उनका फोकस है, और वहाँ के लोग बड़ा सपोर्ट भी करते हैं बिलावल भुट्टो को, बीबी शहीद को, तो आपको लगता है कि इस बार जो इन्होंने काम किया है, ये जो फोकस कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी कुछ मजबूत नजर आ रही है पंजाब में, खासकर लाहौर में? बिलावल 1-1-7 पे वो कंसंट्रेट कर रहे हैं, बाकी जो सीट्स हैं मैं बहुत हद तक जानता हूं, मैं इस वक्त कोई ऐसी प्रीमैच्योर बात नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे नजदीक पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में मसवा 8-10-12 कैंडिडेट्स जो हैं, जो पोटेंशियली मैं कैंडिडेट्स उनको कहता हूं जो कि एक फाइट दे सकते हैं, मैं उनको कैंडिडेट्स कहता हूँ, उससे ज्यादा कैंडिडेट्स नहीं है पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास। और उसकी वजह यही है कि पीपल्स पार्टी को ना ऑर्गेनाइज किया गया, ना उस पर वो उस तरह एफर्ट किया गया जिस हवाले से एफर्ट करने की जरूरत थी। और फिर ये एक तो ये वजह थी, दूसरी वजह थी कि मेरे हल्के के, देखिए मैंने आखिर में जाके इलेक्शन लड़ा अपने इलाके हल्के से, जी जी वोट तो मुझे मेरे लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने देने हैं ना जी, बिल्कुल, मैंने कहीं और से तो नहीं वोट देने।